ऐसा क्या करें कि हमारा एक भी बाल जिंदगी भर तक झड़े ना। दोस्तों, ये एक ऐसी समस्या है जिसका शिकार तकरीबन हर एक व्यक्ति हो रहा है आज के टाइम पे। गलत खान पान की वजह से, गलत चीज़ों का इस्तेमाल करने की वजह से, अपना खुद का ध्यान ना रखने की वजह से, गलत तेलों का इस्तेमाल करने की वजह से, गलत चीज़ों का इस्तेमाल करने की वजह से, सही से खान पान नहीं किया, हेल्दी खाना नहीं खाया। जो जो चीज़ें हमें चाहिए बालों को हेल्दी बना के रखने के लिए, उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया। किसी ने गलत सलाह दे दी, उसको सही मान के अपने बालों में अप्लाई कर लिया, टिप्स के रूप में अप्लाई कर लिया। उसकी वजह से उसका सीधा का सीधा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? हमारे हेयर्स के ऊपर पड़ेगा। और हेयर्स के ऊपर जब पड़ेगा तो हमारे हेयर्स डैमेज होना चालू हो जाते हैं, हमारी स्कैल्प जो है वो कमज़ोर होना चालू हो जाती है, और इसकी वजह से बालों का पतलापन, बालों में ग्रोथ की कमी, बालों का झड़ना, उसके बाद टूट के गिर जाना, उसके बाद खोपड़ी धीरे धीरे पूरी की पूरी गंजी हो जाना। ये सारी की सारी समस्याएं आज के टाइम पे देखी जाती हैं। दोस्तों, अगर आप इन समस्याओं से बचना चाहते हैं और अपने बालों को हमेशा के लिए मजबूत ताकतवर बना के रखना चाहते हैं, तो ये उपाय आप जानिए, बहुत ही कमाल का उपाय है। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जिनकी खोपड़ी बिल्कुल गंजी हो गई है, एकदम सफा चट, कुछ बाल ही नहीं है उसके ऊपर, तो ऐसे लोग अगर अपने बाल दोबारा उगाना चाहते हैं तो हमारे पास एक ऐसा रामबाण उपाय है जो आपके बालों की 100% ग्रोथ करेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको कोई पैसा उसके लिए खर्च नहीं करना है, सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी कुछ महीनों तक। एक उपाय यहाँ पे हम बताएंगे, एक उपाय देंगे, तो कुछ महीनों तक वो उपाय आपने कंटिन्यू बिना रुके मतलब विदाउट फेल, एक भी दिन आपने गैप नहीं करना है, उसको आपने डेली अपनी गंजी खोपड़ी में अप्लाई करना है, रात को सोते टाइम पे और सो जाना है, तो 3 महीने के अंदर बाल उगना चालू हो जाते हैं। उसके बाद में 1 साल तक लगातार करते करते सारे के सारे बाल निकल जाते हैं, वापिस उग जाते हैं। यह नुस्खा आजमाया हुआ है 1 से 2 लोगों पे, इसका रिजल्ट है, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप ये चीज़ करना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ताकि मैं आपको आने वाले टाइम पे, अगर आपके बहुत ज़्यादा डिमांड आती है, बहुत ज़्यादा कमेंट आप करते हैं, तो मैं ये नुस्खा ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा सामने, बिल्कुल एग्जाम्पल दे के। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जिनके बाल झड़ना चालू हो जाते, कमज़ोर हो जाते हैं, उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हमें एक नियम अपनाना है कि हमें 1 हफ्ते में ये उपाय जो मैं अभी बताऊंगा ये करना ही करना है, ताकि हम अपने बालों को जिंदगी भर तक, जब तक हम जिए, चाहे हम 60 साल जिए, 70 साल, 90 साल, 100 साल, जितने भी साल हम जिए, तब तक हमारे बाल झड़े ना और हमारे बालों की ग्रोथ होती रहे। तो आपको नियमित ये काम जरूर करना है जो मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। काम ये करना है कि एक तांबे का आपने बर्तन लेना है, तांबे के बर्तन में आपने 100 ग्राम दही डाल देनी है, उस दही को आपने 5 दिन के लिए ढक के रख देना है। 6वें दिन उस दही के अंदर आपने 1 चम्मच रीठा का पाउडर आपने लेना है, 1 चम्मच रीठे का पाउडर उस दही के अंदर डालें, उसके बाद अच्छे से उसको घुमा लें। घुमाने के बाद में उस मिश्रण से, उस तांबे के बर्तन में रखी हुई जो दही है, 6 दिन बाद जिसको आप निकालेंगे, 1 चम्मच रीठे का पाउडर उसके अंदर मिलाएंगे, उसको अच्छे से मिला के उसको अपने बालों में, जड़ों में अच्छे से आप मसाज करेंगे, कम से कम 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद उसको कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए अपने बालों में लगा हुआ छोड़ दें, और उसके बाद में फिर आपने 2-3 घंटे बाद में आपने अपने बालों की धुलाई कर लेनी, यानी कि बालों को धो लेना है। और धोना किससे है? धोना आपने दही और बेसन के मिश्रण से ही है, आपने किसी केमिकल युक्त शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना, किसी भी चीज़ का, साबुन का आपने इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप देखेंगे कि आपके कुछ ही दिनों में बालों का झड़ना, टूटना और जो ग्रोथ रुक चुकी है उसमें बिल्कुल एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलना चालू हो जाएगा। बालों का टूटना बंद हो जाएगा, झड़ना रुक जाएगा और बाल आपके मोटे घने होना चालू हो जाएंगे। दोस्तों, ये एक आयुर्वेद में लिखा हुआ एक ऐसा रामबाण उपाय है जो आपको अप्रत्याशित लाभ, यानी कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है, ऐसा रिजल्ट आपको ये देता है। बट आपको इसको क्या करने की जरूरत है? नियमित, नियमित मतलब
हफ्ते में एक बार अगर करना है तो करना है, जिस दिन आपकी छुट्टी है उस दिन आप करिए। और इसके बाद में दोस्तों एक चीज और यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं इसी के साथ में, जो आपको करनी है वो करनी है कि आधा चम्मच आंवला पाउडर आपने डेली सोते टाइम पे पानी के साथ सेवन करना शुरू करना है आज से ही, यानी कि जब से आप ये नुस्खा प्रारंभ करेंगे। मैं यहां पे इस वीडियो के माध्यम से इतनी गारंटी दे सकता हूं, ये दोनों नुस्खे अगर आप ट्राई करते हैं, लेना चालू करते हैं, तो आपके बाल कभी झड़ेंगे ही नहीं, पक्की बात है, इस चीज में आप विश्वास करके चलिए। थोड़ा सा खान पान में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऑयली चीजें, तली हुई चीजें, बाहर ठेले पे मिलने वाली चीजें, बहुत ज्यादा मिर्ची, ऐसी चीजें जो आपके पाचन तंत्र को वीक करती हैं, क्योंकि जब पाचन तंत्र वीक होता है तो हमारा जो खाया पिया वो शरीर में नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो मिलने वाले जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं वो हमें नहीं मिल पाते, जिसका सीधा का सीधा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, हमारे पूरे शरीर पे पड़ता है, बालों पे पड़ेगा, शरीर पे पड़ेगा, अंदर के अंगों पे पड़ेगा, खून पे पड़ेगा, सारी की सारी चीज़ों पे पड़ेगा। तो आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, इन दोनों नुस्खों को लेना चालू करिए और अपने बालों को हमेशा मजबूत बना के रखिए और लंबा बना के रखिए और घना बना के रखिए। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको हमेशा फ्यूचर में मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।